नमस्कार मित्रों, वेद डिजिटल एज्युकेशन में तमारू स्वागत है। अने आजे आपणे जोवाना छीए धोरण 11 नुं जे प्रथम सामयिक परीक्षा आवी रही छे 2023-24 नुं प्रश्नपत्र 2। एक पहेलुं जे प्रश्नपत्र छे आपणे ऑलरेडी डिस्कस करी चूक्या छीए के केवी रीते पेपरनुं फॉर्मेट आवे छे ने केवी रीते तेना आंसर शोधवाना होय छे। एवी ज रीते आजे फरीवार आपणे पेपर नंबर 2 सॉल्व करवा जई रह्या छे। तो मित्रों, शुरुआत करिए आपड़ा पेपरनी। तो अहीं गुजरात माध्यमिक अने उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड गांधीनगर द्वारा जे फॉर्मेटथी जे ब्लूप्रिंट प्रमाणे पेपर काढवामां आवे छे ए प्रमाणेना पेपर आपणे अहीं डिस्कस करी रह्या छीए। तो जे पण विद्यार्थी मित्रों नवा होय ते चेनलने सब्सक्राइब करी आपे, जेथी करीने आवी अवनवी माहिती तमने मळती रहे। तो अहींया सौथी पहेला वात करीए आपणे सेक्शन ए नी अंदर। तो जे सेक्शन ए छे, सेक्शन एनी अंदर सौथी पहला आपणे जे पूछाय छे एक्जामनी अंदर, तो सौथी पहला बात करिए तो राइट वेधर ध सेंटेन्सीस आर ट्रू और फॉल्स, के साचुं छे के खोटू, खरा छे के खोटा, बराबर ते आंसर आपणे लखवानो होय छे। नॉर्मली आपणे SA1 छे तो SA1 नी अंदर 1 થી 5 यूनिट मोस्टली आपणे पूछाता होय छे। जेम के अहींया तमे जोयुं हशे के वेन अलीभाई हर्ड सम फेंट ग्रोल्स, मतलब अलीभाई वाली बात थाय छे के जे आपणे यूनिटनी अंदर ऑलरेडी यूनिट 1 में द वाइल्ड सेवियर यूनिटनी अंदर जोयुं होय, बराबर। तो अहींया अलीभाई हर्ड सम फेंट ग्रोल्स ही थॉट इट वॉज अ स्नो लेपर्ड, तो के शुं पेलुं धीमा घुरकोनो अवाज सांभळी स्नो लेपर्ड समजता हता, तो के नहीं, ते शुं समजता हता, देट माइट बी बियर। तो स्नो लेपर्ड अहींया लखेलुं छे, एटला माटे आपणो आंसर शुं थशे? फॉल्स। द मधर लेपर्ड एक्सप्रेस्ड हर लव एंड केयर बाय लिकिंग एंड स्मेलिंग द यंग कप्स, एक्सप्रेस्ड हर लव एंड केयर, के शूँ तेना बच्चाओने चाटीने अने सूंघीने तेनो प्रेम व्यक्त करती हती, तो के ना, ए जस्ट कन्फर्मेशन करती हती कि क्यांक पेला बेर रीछ द्वारा तेना बच्चाओने हानि पहोंचाडवामां आवी छे के नहीं, आटलू कन्फर्मेशन मांगती थी। तो आ जोवा जईए तो पण आपणो आंसर थशे फॉल्स। क्लियर? तो आ रीते जोवानुं के सेंटेन्सनी अंदर अमुक शब्दों हशे जे शब्द छे ए आपणी यूनिट माथी थोड़ा चेंज करी आपवामां आवेला होय छे। नेक्स्ट है फाइंड द नियरेस्ट मीनिंग। तो आपने आप्युं छे ट्रज, ट्रजनो नियरेस्ट मीनिंग थशे प्लॉड, स्मेश्ड तो एनो मतलब थशे शटर्ड। तो आ नियरेस्ट मीनिंग मोस्टली आपणे जे सप्लिमेंटरी रीडर आवे छे तेमांथी अने टेक्स्ट बुकमांथी जे ग्लोसरी होय छे तेमांथी पूछाता होय छे मित्रों। तो ते मटेरियल प्रमाणे, मतलब आपणी जे टेक्स्ट बुक छे सप्लिमेंटरी रीडर छे ते प्रमाणे तैयारी करवी। नेक्स्ट जो आपको टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टंट टॉपिक जेने कही सकीए छे आपणे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट लैंग्वेज फंक्शन्स फ्रॉम द ब्रेकेट्स एंड राइट देम अगेन्स्ट द गिवन सेंटेन्सीस। मतलब अहींया ऑप्शन में आपने ब्रेकेटनी अंदर केटलाक फंक्शन्स आपेला छे, बराबर। ए फंक्शन आधारित नीचेना आपणे जे सवालों छे कया फंक्शननो सवाल छे वाक्य छे ते दर्शाववानुं थशे। तो फर्स्ट छे एज आई एम इनडिस्पोज्ड आई वोंट टू बी लेट ऑफ, बराबर। तो अहींया एक एज दर्शाव्युं छे, एज एटले के कारण के ना मतलब में एवा मीनिंग में यूज थाय, जेम बिकॉज आवे, सिंस आवे, एज आवे ते रीते, बराबर। तो एक प्रकारनुं शुं दर्शावे छे रीजन, कहींथी जवानुं कारण शुं छे के बीमार होवाना कारणे, मजा न होवाना कारणे, तो पछी कारण दर्शावे छे तो शुं आवशे? एक्सप्रेसिंग रीजन। नेक्स्ट छे दे ऑट टू बी हियर एट धीस पर्टिक्युलर अवर छे, तो एनो मतलब एवो थाय के अहींया जोवानुं छे के अहींया आपणे शुं आप्युं छे, जुओ ऑट टू, बराबर। तो ऑट टू नुं काम शुं छे? तो शुड, ऑट टू एंड हेड बेटर, आ त्रणनुं काम छे एडवाइस आपवानुं, सलाह आपवानुं। तो आपणे अहींया आंसर आपणे सिलेक्ट करी सकीए गिविंग एडवाइस। टेक्स्ट बुक प्रमाणे आपणे जोईए तो टेक्स्ट बुक में जे फंक्शन्स आपेला होय छे तेना आधारे तमने फंक्शन घणा बधा आ रीते पूछाता होय छे। क्लियर? एज रीते नेक्स्ट आपने आवे छे चूज द एंड राइट द अप्रोप्रिएट रिस्पोन्स टू कम्प्लीट द कन्वर्जेशन। तो अहींया कन्वर्जेशन कम्प्लीट करवानी छे, एना माटे यूज शुं करवानुं छे? फंक्शननो, तो के सिंथेसाइजिंग कीधुं छे। सिंथेसाइजिंग एटले शुं? तो के एक प्रकारना कंजक्शन आपवामां आवेला होय, ए कंजक्शन वाळुं जे पण सेंटेन्स आपने आपेलुं छे ते आपणे एज अ फंक्शन तरीके सिलेक्ट करीशुं, बराबर। तो अहींया जोईए के हाउ इज माय सन स्टडी, वॉट अबाउट हिज प्रोग्रेस। तो अहींया आपणे जोईए के कया सेंटेन्सनी अंदर कंजक्शननो उपयोग करवामां आव्यो छे। तो ए शुं कीधुं? योर सन इज वेरी क्लेवर, ही विल गेट गुड रिजल्ट, योर सन शुड वर्क हार्ड, वी कांट एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम हिम, एंड योर सन ग्रस्प वेरी फास्ट एंड हिज प्रोग्रेस इज अप film at home तो यहाँ and conjunction use करेलू है। That means आपणे यहाँ synthesizing expression माटे C जवाब सिलेक्ट करी शकीए छीए। नेक्स्ट जो है अक्षय वालों है, अक्षय with whom are you going to Manali for how many days तो यहाँ पर synthesizing expression एवं कहवामां आव्युं छे। That means अहींया पण आपणे conjunction वालों जो आंसर हशे सिलेक्ट करवो पड़शे। तो जोईए We are going to Manali. We will go with our friends. Perhaps we will stay there for 10 days. However, we are not going to anywhere. We are going to Manali with our friends for 10 days. હવે અહીંયા જોવા જઈએ તો કન્જક્શનનો યુઝ નથી થયેલો, પણ આપણે જે ક્વેશ્ચન યુઝ કરીએ with whom કોની સાથે જવાના છે અને કેટલા દિવસ રોકાવાના છે, આ બંનેને સવાલમાં ક્વેશ્ચન તરીકે આપણે લઈએ તો એનો આન્સર શું હોઈ શકે છે, બરાબર? તો અહીંયા વી આર ગોઈંગ ટુ મનાલી તો આ તો ખ્યાલ જ છે મનાલી જવાના છે, ખાલી એટલું પૂછ્યું છે કોની સાથે જવાના છો અને કેટલા દિવસ માટે, તો આપણો આન્સર આવશે સી કે વી આર ગોઈંગ ટુ મનાલી વિથ અવર ફ્રેન્ડ્સ ફોર 10 days, બરાબર? તો અહીંયા ડાયરેક્ટ આપણો આન્સર મળી જાય છે સી. આન્સર પ્રમાણે જોઈએ તો અહીંયા વી આર ગોઈંગ ટુ મનાલી આન્સર ન આવી શકે, કેમ? કારણ કે ઓલરેડી એવું પૂછે જ છે કે મનાલી કેટલા દિવસ જવાના છો, કોની સાથે જવાના છો, જો ક્યાં જવાનો છે એવો આન્સર હોત तो आपणे पॉसिबल आंसर थई छे। नेक्स्ट है सिलेक्ट एंड राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, अंडरलाइन करेलो जो वर्ड है तेना आधारे आपणे सवाल सिलेक्ट करवानो छे। तो सवाल शू बने जो ही ओनली स्वेलो द पिल्स ऑन हर बिहाफ, कोना वती मतलब तेना वती ते मात्र पिल्स एटले टीकड़ीओना गळे छे, कोना वती गळे छे तो शुं आवशे, जो कोना वती एटले शुं थशे ऑन हुज बिहाफ डज ही स्वेलो द पिल्स, बराबर? एटले आपणो आंसर बने छे अहींया सी। एवी ज रीते नेक्स्ट वात करीए तो कीधुं छे ही हेड स्पेन्ट नियरली 60 years विथ नानी, 60 years में अंडरलाइन है मतलब केटला वर्ष एवं थशे, तो केटला वर्ष एटले जो अहींया शुं आप्युं छे हाउ मेनी इयर्स हेड ही स्पेन्ट विथ नानी, तो आ थई गयो आपणो आंसर क्लियर। तो अहींया आपने जे सेक्शन एनी अंदर एमसीक्यू बेज उपर जे क्वेश्चन पूछवामां आवेला होय छे, शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर आपवानो होय छे, वन वर्ड्स में ज होय छे जोवा जઈએ तो, कारण के एमसीक्यू बेज होय छे, बराबर? तो अहींया नेक्स्ट जो सेक्शन बी, तो सेक्शन बी नी अंदर आपने पूछाई है सौथी पहला तो रीड द एक्सट्रेक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन्स। तो अहींया जे पेरेग्राफ आप्या छे पेरेग्राफ मोस्टली आपड़ा यूनिट्स ना छे, तो यूनिट आधारित जे यूनिट आपेला छे ए यूनिट परथी आपने क्वेश्चन आंसर आपेला छे। सेक्शन सी, सेक्शन सी नी अंदर आपने कहेवामां आव्युं छे रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड राइट इट्स समरी एंड सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल। समरी एटले शुं तो के संक्षेपीकरण, कोईपण मोटी आपणी पासे बुक है 100 पेजनी बुक हो फॉर एक्जाम्पल स्टोरी बुक अने तमे वाँचो ने पछी एने एक्सप्लेन करो छो, तो एक्सप्लेन करता आपणे समझो कि लखीए तो अप्रोक्सिमेट 1 के 2 पेज में लखाई जशे। तो तमे शुं कर्युं कि 100 पेजनी बुक ने 1 થી 2 पेज में तमे एक्सप्लेन करी दीधी छे, तो आज एक्सप्लेनेशन करीए अथवा तो 2 કલાકनुं मूवी होय एने आपणे 5 मिनिट में एक्सप्लेन करी दीए तो ए शुं कर्युं कहेवाय, संक्षेपीकरण कर्युं कहेवाय। अने ए स्टोरी आधारित आपणे एक टाइटल सिलेक्ट करता होय छे कि शीर्षक शुं होई शके, बुकनुं टाइटल शुं होई शके, ए मूवीनुं टाइटल शुं होई शके, तो एने कहेवामां आवे छे समरी राइटिंग। अने समरी लखाई जाए पेरेग्राफ समराइज थई जाए त्यारबाद एने एक टाइटल आपवानुं होय छे। नेक्स्ट त्यारबाद वात करीए तो छे रीड द न्यूज क्लिपिंग एंड आंसर द क्वेश्चन, कोई न्यूज आपेला हशे ए न्यूज परथी आपणे क्वेश्चन आंसर पूछवामां आवे छे। त्यारबाद कीधुं छे रीड द स्टांजा एंड आंसर द क्वेश्चन, स्टांजा देट मीन्स पोएम, तो आपणे टेक्स्ट बुक में जो पोएम आवे छे पोएम पूछवामां आवती होय छे, ए पोएम बेज उपर आपने अप्रोक्सिमेट 2 सवाल पूछवामां आवे छे। त्यारबाद छे डुएस डायरेक्टेड, डुएस डायरेक्टेड एटले शुं तो के कहया मुजब करवानुं छे, निर्देशन मुजब करो, डायरेक्ट करो निर्देशन करवुं, तो निर्देशन क्या करवामां आव्युं छे अहींया स्टार्ट लाइक धीस, तो जो ध गोधड़नुं गोधड़ो छे, पछी लुक्ड ए वी2नुं रूप छे, अहींया शुं छे विल लुक मतलब विल साथे वी1, तो करवानुं शुं छे ज्यां ज्यां भूतकाळना रूप होय त्यां त्यां आपणे एनुं फ्यूचरनुं रूप करवानुं छे। देट मीन्स चेन्ज द टेन्स, तो क्या फेरफार थशे तो के द रॉयल एडवाइजर नोडीड एंड The Godad pulled a barrel from the bottom of the tower. He did so. The tower scattered and the king fell down. तो यहाँ जितनी जगह V2 ना रूप आपेला है एनी जगह आपणे will साथे V1 ना रूप मूकवाना थशे बराबर के अहींया जेम के बात करिए तो will not थी जशे अहींया बात करिए तो will pull थी जशे अहींया will scatter थी जशे आ ईडी निकळशे એટલે scatter थी जशे will fall थी जशे अहीं will do थी जैसे क्लियर तो आ रीते बस काल में फेरफार करवानो थतो होय छे। नेक्स्ट सेक्शन डी नी बात करिए तो सेक्शन डी नी अंदर क्वेश्चन नंबर 18 में आपने आप्यो छे रीड रेंडर द फॉलोइंग डायलॉग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच के आपणे जे पेरेग्राफ छे ने इनडायरेक्ट स्पीच में फेरफार करवानो छे। त्यार बाद कम्प्लीट द सेंटेन्स यूजिंग फंक्शन गिवन इन द ब्रेकेट ब्रेकेट में जो फंक्शन आप्यु छे जेम के रिपोर्टिंग એટલે તમારે ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચની રીતે વાક્ય બનાવવાનું છે। કનેક્ટિંગ ઇન્ફોર્મેશન સિન્થેસાઇઝિંગ ધેટ મીન્સ આપણે પ્રોપર કન્જક્શનનો ઉપયોગ કરીને વાક્ય બનાવવાના થતા હોય છે। તો આ રીતે તમારે કમ્પ્લીટ ધ સેન્ટેન્સના વાક્ય લખવાના થતા હોય છે। ધેન છે રીરાઇટ ધ પેરેગ્રાફ કરેક્ટિંગ ધ એરર્સ કે જે એરર્સ છે ભૂલો છે એને સુધારો। તો આ બે માર્ક્સમાં પૂછાતો હોય છે જે અંડરલાઇન કરેલો વર્ડ છે જેમ કે એક્ઝામ્પલમાં છે જ આપણે બે અંડરલાઇન કરેલા વર્ડ આપેલા છે બરાબર છે तो ये बने ने आपणे शुं करवानुं छे सुधारवाना छे। जेम के बात करिए तो कई रीते सुधारवाना थता होय जेम के जोवानुं वेन इमोशन हेव अहींया टेकिंग लिख्युं छे तो आपने खबर छे कि हेव हेज साथे V3 नुं रूप आवे तो अहींया टेकन आवशे। इट बिकम्स नियरली इम्पोसिबल टू थिंक क्लीनली क्लीनली आवशे तो शुं आवशे क्लियरली क्लियर। तो आ रीते जे बंद बेसतो तो है छे। नेक्स्ट सेक्शन ई नी बात करिए तो सेक्शन ई नी अंदर आपने अहीं आपवामां आव्युं छे स्टडी द फॉलोइंग टेबल जे जेना उपर त्या टेबल शुं कहेवा मांगे छे ए आपणे दर्शाववानुं होय छे बराबर के अहींया जे पण तमने डायग्राम आपेलो हशे पाई चार्ट आपेलो हशे ट्री डायग्राम हशे टेबल आपेलो हशे ए शुं कहेवा मांगे छे एनुं एक्सप्लेनेशन आपणे जे करीए ए आपणे पेपर पर उतारवानुं छे मतलब आपणा आंसर शीट में उतारवानुं छे लखवानुं छे। अने त्यारबाद बात करिए तो राइट अ पेरेग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड्स यूजिंग ध कीवर्ड्स राइट अ पेरेग्राफ जेने आपणे नॉर्मली एवुं कहेता होय छे एसे पूछाय छे निबंध पूछाय छे निबंध नथी पूछातो तो पेरेग्राफ राइटिंग पूछातो होय छे एमां कोई पण बे हशे बेमांथी एक लखवाना थता होय छे। अने त्यारबाद लास्ट में राइट एज बिलो इंस्ट्रक्शन तो के देयर वॉज अ फेरवेल डे इन योर स्कूल प्रिपेयर अ रिपोर्ट अने आपणे अहींया आनो रिपोर्ट लखवानो थतो होय छे बराबर। तो मित्रों आज पेपर है ए पेपरनु सोल्यूशन तमने जो जोईतुं होय तमारे जोईतुं होय तो ये आपणी जे एप्लिकेशन आवे छे तमने कई रीते प्रोसेस में जोवुं दर्शाई दऊं छुं। तो तमारे सौथी पहेला प्ले स्टोरनी अंदर वेड डिजिटल एज्युकेशन एप्लिकेशन डाउनलॉड करवानी छे। त्यारबाद तमे तमारो फोन नंबर एंटर करशो एटले तमने एक ओटीपी मळशे ए ओटीपी तमे एंटर करशो त्यारबाद तमने कंईक आ रीतनी स्क्रीन देखाशे तेनी अंदर पेड कोर्सीस अने एक्जाम पेपर्सनी अंदर तमने आ जे पेपर आपणे अहींया सोल्व करीए छे ए पेपर्सना सोल्यूशन मळी रहेशे। तो मित्रों आ ज रीते नवा नवा अपडेट्स मेळववा माटे तमे आ चेनलने सब्सक्राइब करजो जेथी करीने नवा नवा पेपरना सोल्यूशन तमने मळता रहे। थैंक यू।